दोस्तों, पीकेएल सीजन 9 का छठवां दिन भी खत्म हो चुका है। हमें छठवें दिन भी दो ब्लॉकबस्टर मुकाबले देखने को मिले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों ब्लॉकबस्टर मुकाबलों की डिटेल्स जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें पहले मैच की, छठवें दिन का पहला मैच बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें बंगाल वॉरियर्स ने बेंगलुरु बुल्स को 9 पॉइंट से मात दी। दोनों टीमों का स्कोर 42-33 था। बंगाल वॉरियर्स ने इस सीजन कुल 3 मैच खेले हैं, 2 में जीत और 1 में हार के बाद इनके कुल 10 पॉइंट्स हैं। और बेंगलुरु बुल्स ने भी कुल 3 मैच खेले हैं, 2 में जीत और 1 में हार के बाद इनके भी कुल 10 पॉइंट्स हैं। बात करें छठवें दिन के दूसरे मुकाबले की, दूसरा मैच दबंग दिल्ली और यूपी योद्धास के बीच खेला गया, जिसमें यूपी योद्धा को 2 पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों का स्कोर 42-44 था। यूपी योद्धा ने कुल 3 मैच खेले हैं, 1 में जीत और 2 में हार के बाद इनके कुल 7 पॉइंट्स हैं। बात करें दबंग दिल्ली की, दबंग दिल्ली ने भी 3 मुकाबले पूरे हो गए हैं, तीनों में जीत के साथ इनके कुल 15 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, सीजन 9 के छठवें दिन के दोनों मुकाबले आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।